हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर SSC GD के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा, जो दोस्तों आपके यहाँ पर GK GS और मैथमेटिक्स और दोस्तों हमने हिंदी के यहाँ पर लिए हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर सभी को सम्मिलित किया है क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पर सभी के लगभग पता लग पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने अन्य भी यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज डाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके आधार पर जो भी आपके पिछले यहाँ पर एग्जाम हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों हम शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर रोज़ ही मिलती हैं SSC GD की दोस्तों यहाँ पर वीडियोज़। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, कुत्ते के काटने पर इलाज के लिए दोस्तों किसका टीका लगता है? इसके लिए आपका एंटी रेबीज़ का, या फिर आपका चेचक का, या फिर आपका टेटनेस का, या फिर आपका पोलियो का। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब कुत्ता काटता है दोस्तों तो उससे बचने के लिए एंटी रेबीज़ का टीका लगता है दोस्तों, जो रेबीज़ के रोग के होने की दोस्तों समस्या को दूर करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, बार निम्न में से किसका मात्रक है दोस्तों, या फिर आपका यहाँ इकाई है? ये दोस्तों आपके यहाँ पर बल की, या फिर ऊर्जा की, या फिर आपकी आवृत्ति की, या फिर आपकी दाब की। दोस्तों देखिए, बल का यहाँ पर मात्रक जो होता है आपका इकाई होती है, वो आपका न्यूटन होता है। और दोस्तों ऊर्जा का यहाँ पर जूल होता है, और आवृत्ति आपका हर्ज होती है दोस्तों, और दाब बार। तो आपका दोस्तों यहाँ पर दाब की इकाई यहाँ पर बार हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? ये आपके यहाँ पर ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपकी कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है दोस्तों, और CO2 यहाँ पर ली जाती है। तो आपको यहाँ पर मुक्त होना पूछा गया, तो दोस्तों आपके यहाँ पर ऑक्सीजन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस कारण संस्थापित की गई दोस्तों? राष्ट्रीय नवीकरण निधि का दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ग्रामीण पुनर्निर्माण, या फिर आपका सामाजिक सुरक्षा, या उद्योगों का पुनर्निर्माण दोस्तों, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये यहाँ पर आपका सामाजिक सुरक्षा के लिए दोस्तों संस्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये आपका MK गांधी ने, या फिर आपका CR दास ने, या शौकत अली ने, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर गांधी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला MK गांधी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? दोस्तों ये आपका 1956 में, या 52 में, या 51 में, या फिर आपका 50 में। दोस्तों ये आपके यहाँ पर 1956 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में किस शब्द में दोस्तों लय प्रत्यय है? दोस्तों देखिए, प्रत्यय का मतलब आपको पहले जानना है। प्रत्यय मतलब दोस्तों जो आपके शब्दों के पीछे लग के उनके अर्थ को बदल देते हैं दोस्तों। प्रत्यय आपका पीछे लगेगा और दोस्तों आपका उपसर्ग आपका आगे लगता है। तो यहाँ पर देखिए आपका गरल, या फिर कमल, या फिर विमल, या फिर आपका अमल। दोस्तों देखिए, अमल, विमल, कमल ये अपने आप में पूर्ण है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए गर में दोस्तों आपका लय जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये आपका गरल एक नया शब्द बन गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपका लय प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, समश्रुत शब्द प्रथा प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, एक प्रथा है, एक आपका दोस्तों प्रथा है। देखिए दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। प्रथा यहाँ पर देखिए कुंती का नाम है, क्योंकि दोस्तों प्रथा उनका नाम था, और प्रथा दोस्तों आपका जो रिवाज होता है दोस्तों, तो दोनों में अंतर है। तो ये आपका सटीक जो जहाँ पर आपका मिलेगा वहाँ आप टिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, देखिए ये आपका सही हो जाएगा। इनमें दोस्तों केवल आपका देखिए मात्राओं का अंतर है, तो इनको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, वर्तनी के आधार पर आपको स्पेलिंग इनकी सही आनी चाहिए दोस्तों, कि हम किस तरह यहाँ पर शब्दों को लिखते हैं। कोई भी यहाँ पर आपका शब्द है तो उसका शुद्धतम रूप क्या होगा? देखिए पौराणिक, या फिर पौराणिक, या फिर आपका पौराणिक, या फिर आपका पुराणिक। दोस्तों ये आपके यहाँ पर पौराणिक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर आपका एक क्वेश्चन अवश्य आएगा दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पर, किस क्रम में कुंतल कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है दोस्तों? देखिए कुंतल और कुंडल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, सेना हाथी होगा, या फिर आपका केश कर्णाभूषण होगा, या फिर आपका हाथी सांप होगा, या फिर आपका सेना कुंडल कुंभ होगा? दोस्तों देखिए, कुंतल दोस्तों आपका केशों में होता है, अर्थात बालों में होता है दोस्तों। कुंडल दोस्तों आपका कानों में लगाया जाता है दोस्तों, कानों में, अर्थात कर्णाभूषण आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है, बी वाले में मेल खाता है, तो आपने बी वाला टिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है,
महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत दोस्तों प्रारंभ में देखिए व्यास के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, तो उसका नाम क्या था प्रारंभ में, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। प्रारंभिक नाम यहाँ पर जय संहिता था, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, जय संहिता। बाद में दोस्तों महाभारत लिखा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में किस शब्द में दोस्तों अव्ययी भाव समास नहीं है? ये आपका दोस्तों नीरस में, या फिर आपका यथारुचि में, या फिर आपका देशभक्ति में, या फिर आपका प्रतिदिन में। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिदिन में आपका दोस्तों अव्ययी भाव समास नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपका होता है एकम एकम प्रति, मतलब प्रतिदिन, और इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए अव्यय का इस्तेमाल करके इनको बनाया गया है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है दोस्तों? ये अमेरिका, रूस, चीन, या फिर आपका चीन, भारत, रूस, या फिर दोस्तों भारत, रूस और अमेरिका, या फिर आपका कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर अमेरिका और रूस और चीन के पास दोस्तों विश्व का दोस्तों 50% यहाँ पर कोयला है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरों के बराबर हानि हुई, तो दोस्तों हानि का प्रतिशत कितना क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आपका आएगा, पहले आप क्रय मूल्य यहाँ पर दोस्तों एक संतरे का 1 रुपया मान लेंगे, तो 36 का कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा 36 का, दोस्तों आपका 36 रुपये हो गया। और देखिए 4 संतरों की हानि हुई है, तो अर्थात 4 रुपये की हानि हो जाएगी, तो दोस्तों आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपको जब विक्रय मूल्य पता है और आपको हानि भी पता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस 4, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए हानि हुई है, तो हानि के केस में दोस्तों आप हमेशा यहाँ पर विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे हानि को, तभी आप क्रय मूल्य निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हानि के केस में आपका क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये 40 आपका निकल के आ गया दोस्तों। तो क्रय मूल्य आपको पता लग गया 40 रुपये, और दोस्तों आपको यहाँ पर पता है हानि यहाँ पर 4 रुपये की हुई, तो प्रतिशत आपको निकालना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर निकल जाएगा 10 निकल के आ गया, 10 आपका निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं तथा इनका योग दोस्तों आपका 16 है, तो पहली संख्या और चौथी संख्या का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों पहले आपको यहाँ पर दिया है, सभी को आप मान लेंगे 1x, 2x, 3x, 4x बराबर दोस्तों आपका 16 दिया है यहाँ पर आपको। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए आप x का मान निकाल लेंगे, इनको आप ऐड कीजिए पहले, ये दोस्तों आपका कितना आ गया 10x आ गया बराबर आपका 16, तो दोस्तों आपके यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 1.6 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालना क्या है, केवल आपको पहले और चौथे का योग बताना है दोस्तों, तो 1x+4x बराबर कितना होगा दोस्तों आपका 5x होगा, तो ये मान आपको बताना है दोस्तों, ये आपका 5 × 1.6 कर देंगे, तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 8 आ गया आपका, क्योंकि एक स्थान पर आपका दशमलव है दोस्तों, ये आपने 8.0 में लगा दिया, तो आपका 8 यहाँ पर आ जाएगा। 8.0 कहें दोस्तों आप, या फिर आप कहें 8, तो एक ही बात है, तो 8 आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो दोस्तों वो संख्या क्या होगी? देखिए पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक संख्या माननी है x। अब देखिए आपको यहाँ पर संख्या का तिगुना, आपने 3x कर दिया, बराबर कितना है दोस्तों, संख्या के 3/5 मतलब 3x/5 से दोस्तों 60 अधिक है, +60 कर दिया आपने, केवल आपको इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है, समीकरण निकालनी है दोस्तों, इतना करने के बाद आप आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, या आप इधर ले आएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3x-3x/5 बराबर आपका 60 आ गया। अब आपने यहाँ पर घटाया, देखिए क्या जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका इतना आ गया दोस्तों। अब देखिए आप वज्र गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 12x बराबर दोस्तों आपका आ गया 60×5, और दोस्तों आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 60×5/12 दोस्तों, और आप काट देंगे, तो ये आपका यहाँ पर 25 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिखता है 25, तो यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप इनको निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे GK GS, और दोस्तों आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखा यहाँ पर, और हिंदी के भी क्वेश्चन को देखा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और भी हम लगातार आपको बताए जाएंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को, हमारे साथ भी बने रहेगा। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।